हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का स्वस्तिका यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। लास्ट वीडियो वॉज ऑल अबाउट बिगिनर्स मार्केट को कैसे ट्रैक करें। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की, दैट इज निवेश कैसे करें। सो द टॉपिक ऑफ अवर वीडियो इज हाउ बिगिनर्स कैन क्रिएट पोर्टफोलियो इन मार्केट। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं ऐसे सिंपल 5 स्टेप्स जिसके हेल्प से एक बिगिनर बड़ी ही आसानी से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। एंड द फर्स्ट इज सेलेक्शन ऑफ सेक्टर। जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स के बारे में प्लान करते हैं, वी ऑलवेज वॉन्ट कि हमें रिटर्न्स क्विकली मिल जाएं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ अ सेक्टर। एंड द सेलेक्शन ऑफ सेक्टर, ये क्वेश्चन हमको हर बार परेशान करता है। सो निवेश करने से पहले हमें उस सेक्टर या उस बिजनेस का सिलेक्शन करना चाहिए जिसका नॉलेज हमें अच्छे से हो, प्लस उस सेक्टर से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशंस को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कंजम्पशन सेक्टर। एज यू ऑल नो दैट कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एंड दे बिलोंग्स टू अवर बेसिक नेसेसिटीज। सेक्टर सिलेक्शन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन करना। एंड द रीज़न बिहाइंड इज दैट द बेस्ट विल ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट इन द लॉन्ग रन। बट एक बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन हम कैसे करें, किस तरीके से करें, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है बिगिनर्स के लिए। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रैक करना थोड़ा सा टफ पड़ता है एक बिगिनर के लिए जो नए नए अभी मार्केट में आए हैं और अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन करना चाहते हैं। सो बेटर विद द हेल्प ऑफ सम फाइनेंशियल वेबसाइट्स अवेलेबल लाइक मनी कंट्रोल, NSE इंडिया, BSE इंडिया, द वेबसाइट्स ऑफ द कंपनी इट्सेल्फ। आप यहाँ पे जाएं, कंपनी की वेबसाइट्स पे कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, प्लस कंपनीज के पास परफॉर्मेंस को बड़ी ही आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा सम मोर फाइनेंशियल वेबसाइट्स आर अवेलेबल लाइक स्टॉक स्क्रीनर, स्टॉक एज। आप इन वेबसाइट्स पे जाके कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं एंड यू विल गेट एन आइडिया कि इन सब में से बेस्ट कंपनी कौन सी है जिसको हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इन द फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कंजम्पशन सेक्टर। कंपनीज लाइक HUL, ITC, Varico कंजम्पशन सेक्टर्स की जानी मानी कंपनियों में से एक है इनके प्रोडक्ट्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं। इन कंपनीज में मेनली हम सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम एंड डिमांड ग्रोथ, प्लस प्रोडक्ट रीच इन द मार्केट, ऐसे फैक्टर्स को हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। इवन इन COVID-19 आप लोगों ने देखा होगा कि कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स कंपैरेटिवली दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे आए हैं। सो दिस क्लियरली शोज दैट कंजम्पशन सेक्टर ऑलवेज प्ले अ बिग रोल इन अवर इकॉनमी। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी to invest or track only one sector just for the sake of financial fulfillments and to get the better returns. Just like we kept on changing our diet and our food as per the requirements of our body and our mind to keep it healthy and fit, similarly, to keep our portfolio fit and healthy and performing, we must diversify our investments also. It is not necessary कि हर बार एक ही सेक्टर हमें बेटर रिटर्न देगा। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर रिटर्न्स हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोर्टफोलियो। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से COVID-19 के पेंडेमिक में कंजम्पशन सेक्टर की कंपनीज ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसी तरीके से COVID-19 के इस इम्पैक्ट में फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर हमारा एक आउट परफॉर्मर बन के निकला है। यू ऑल नो दैट मेडिसिन एंड वैक्सीनेशंस हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंजम्पशन सेक्टर के बाद अगर हम चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कीप अ चेक ऑन परफॉर्मेंस। इट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स हमें लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, बट द ड्यूरेशन इज नॉट डिफाइंड एज द गोल ऑफ एवरी इन्वेस्टर्स वेरीज। इन दिस कंडीशन एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करना चाहिए। मैनी ऑफन डिजायर्ड रिजल्ट हमें थोड़ा समय में मिलते हैं, सो इन दिस कंडीशन एक न्यू कमर को अपना पेशेंस लेवल और कामनेस को हमेशा बना के रखना चाहिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रिंग अ चेंज इफ इट इज नेसेसरी।
आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जस्ट बाय एंड फॉरगेट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम खरीदें और उसको होल्ड करके रखें तो वो श्योरली है कि हमें लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। बेटर अगर इस तरीके से कोई स्टॉक हमने परचेज करा है जिसको हम खरीद के रखते हैं और लॉन्ग टर्म में कुछ समय में भी अगर वो हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है तो एक नॉमिनल लॉस के साथ आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि हो सकता है अगर आप ज़्यादा समय उसको होल्ड करेंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो के जो परफॉर्मेंस है उसको नेगेटिव कर देगा। सो विद द नॉमिनल लॉस आप उससे एग्जिट कर जाएं एंड ट्राई टू ब्रिंग और ट्राई टू कम अप विद अ न्यू स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो को पोटेंशियल दे प्लस आपके नेसेसरी आपके आउटलुक के अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करें। सो द लास्ट स्टेप इज ब्रिंग अ चेंज इफ इट इज नेसेसरी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं दे आर ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। हमारा कोई पर्सनल सजेशन नहीं है, कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है इन सेक्टर्स के लिए। एंड द थिंग इज दैट अगर आप चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लिए बगैर आप कभी भी अपने निवेश को प्लान ना करें। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्वस्तिका यूट्यूब चैनल फॉर मोर फर्दर अपडेट्स एंड फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।